हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और टैंगी चटनी, वो भी करेलों के छिलकों से, जिसे कि हम फेंक देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छा होट होने देंगे जब तक कि स्मोकी ना हो जाए, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है उसमें एक अपनी खुशबू होती है, इस तरह से वो खुशबू चली जाती है। आप देख सकते हैं जो मस्टर्ड ऑयल है हमारा अच्छा स्मोकी हो गया है। इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर आप इतने गर्म तेल में अपने मसाले डालेंगे तो आपके सारे मसाले जल जाएंगे। हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, जीरा। जीरे को हम क्रैकल होने देते हैं। जीरा जो है हमारा क्रैकल हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज के प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। प्याज को हम कर लेते हैं सौते और इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भुनेंगे, क्योंकि जो प्याज का मीठापन होता है वो चटनी में बहुत टेस्टी लगता है। 2 से 3 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अनियन जो है हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप करेले का छिलका। जब मैंने करेलों पर नमक लगाया था तो मैंने उसके छिलकों पर भी साथ ही नमक लगा दिया था और 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर मैंने इसे स्क्वीज कर लिया है। बहुत ड्राई है, पानी नहीं है, निचोड़ना है इसे अच्छे से। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ग्रीन चिलीज, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं चिलीज को भी अच्छे से। ऐड कर लेते हैं इसमें 1/4 टीस्पून फेनल सीड्स, सौंफ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है चटनी को। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें बहुत ही खास इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है लेफ्ट ओवर पिकल मसाला, अचार का मसाला, 1/2 टीस्पून। बहुत ही टैंगी फ्लेवर देता है चटनी को। अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, या फिर अमचूर डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये सारी चीजें। मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसे हम 2 मिनट लिड से कवर करके कुक करेंगे। जो करेले का छिलका है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और करेला शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो इसे किसी भी फॉर्म में ले, जूस ले सकते हैं, चटनी खा सकते हैं, या फिर इसकी सब्जी, बहुत ही हेल्दी होता है करेला। 2 मिनट हो चुका है, अब हम हमारी चटनी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग आया है चटनी का, और जो करेले का पील है वो भी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। मिक्स कर लेंगे हम इसे एक बार अच्छे से और फ्लेम को कर देते हैं बंद। सर्व कर लेते हैं इसे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल बटन दिया है उसे भी दबाइएगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।